सर सबसे ज्यादा मिमिक्री किसकी करते हैं जो आपके दिल के काफी करीब है और उसकी हमेशा आप झट से करते हैं, उसकी एक झलक आपसे सुनना चाहेंगे हम। बहुत सारे लोगों के लोग सुनते हैं, मेरे से मुंह से सुनते हैं, लेकिन अभी मैं इन दिनों नवाज की ज्यादा अच्छी कर रहा हूँ। अच्छी क्या कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, बस लोग पसंद करते हैं। बहुत जोर है तोरा में, बहुत ताकत है तोरा में, माँ का बाप का भाई का सब का कसम खा के आए नवाजुद्दीन। माँ कसम शरीफ तो हम पैदा हुए थे, मगर शराब पर से अपने कभी बनी नहीं। मैं शानदार जबरदस्त जिंदाबाद करता हूँ, लोग पसंद करते हैं। उसके बाद भाई इरफान भाई, अरे भैया क्या कर रहे हैं, चिक्कर के बेटा आपको पहचानते हो ना। शाहरुख भाई, अरे हे मदन लाल चोपड़ा, अरे याद आया। बच्चन साहब, हे देवियों सज्जनों, आपके पीछे कौन बनेगा करोड़पति। और नए पुराने सभी जॉनी भाई, मुझे याद है मेरा पंच छप्पन। तो ऐसे राजपाल यादव, अरे भैया हमको क्या मंदिर का घंटा समझ रखा है, जो भी आता है बजा के जाता है सालो। तो ये सब चीज़ें हम करते रहते हैं और लोग पसंद करते हैं। हम मोदी जी की भी नकल करते हैं। मित्रा, आज मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, मित्रा भारत मेरी जान है और मेरी पहचान है, और ये जो युवा है, ये युवा है इसलिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ है। आई लव माई युवा, और इन युवाओं को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ, मित्रों जियो जियो। अरविंद केजरीवाल जी, कौन है जी ये लोग, ये बीजेपी वाले, ये कांग्रेस वाले मिले हुए हैं जी, हमें इनकी जांच करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए जी, हमें पता करना चाहिए कहाँ पे करप्शन है जी, मिलके कुछ करना चाहिए, मैं तो अनशन करने जा रहा हूँ जी। तमाम लोगों को ऐसा हम लोग कॉपी करते हैं। लालू जी देखिए क्या बात कर रहा है। तो हर तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि इस चीज को आगे बढ़ाए। स्ट्रगल के टाइम में कौन सी ऐसी मिमिक्री जिसने आपका साथ दिया, जिसने आपको काम दिलाया, मिमिक्री के द्वारा ही आपको काम मिला? मिमिक्री में मैं ये सभी कलाकारों की करता था, जिसकी वजह से मुझे लोग पहचानते थे, जानते थे। और जिसकी वजह से जैसे शाहरुख खान की नकल मैं बहुत करता था, फिर मैं नाना पाटेकर की नकल बहुत करता था। अच्छा है, अच्छा है, हाँ अच्छा है। अभी नाना पाटेकर साहब पर मैंने एक बनाया कि नाना पाटेकर साहब आप पर मीटू का आरोप लगाया है, ये सच है क्या? इसका जवाब मेरे नाम में ही है। कैसे? नाना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया नाना। पता नहीं वो बच्ची मुझ पर आरोप क्यों लगा रही है। मैं उस बच्ची के साथ में मीटू नहीं कर सकता, उसके साथ तो क्या, उसके माँ के साथ भी नहीं कर सकता। बोला क्यों? क्योंकि मैं नाना हूं। उस बच्ची के साथ तो क्या, उसके माँ के साथ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं नाना हूं। लेकिन वो क्या मीटू लगा रही है, मीटू मीटू, ये मीटू मीटू क्या है? मुझसे ज्यादा मिथुन चक्रवर्ती घबराए हुए हैं। बोले क्यों? उनको लगता है कि जब नाना का नंबर आ गया तो दादा का कभी भी आ सकता है। तो ये मैं नाना पाटेकर की नकल करता था साहब की, उनकी, और लोग पसंद करते थे, अच्छा लगता था लोगों को।